हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्रिय साथु, मैं आरपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं रेटिना नर्सिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे पीएनएसटी के कट ऑफ यानी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, ये एनालिसिस आपकी जो कट ऑफ जाएगी उसके बिल्कुल नियरेस्ट होगा। यानी जो मैं बताने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लगभग 100 स्टूडेंट के आसपास मैंने पूरा बच्चों का मार्किंग किया है, मार्किंग मार्क्स लिया है और उससे हमने एनालिसिस किया है कि कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो उस कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, चलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 2022 की कट ऑफ के बारे में। हालांकि 2022 का अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर उस दौरान जो बच्चों के मार्क्स आए थे, उस बच्चों के मार्क्स के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि उस दौरान यहां पर जो है किसी बच्चे के 68, किसी के 70, किसी के 72, किसी के 81, किसी के 89 इतने मार्क्स अपने यहां पर जो है आए थे। ये था आपका 2022 का, लेकिन इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, है ना। अगर रिजल्ट डिक्लेयर भी होता तो यहाँ पर ये मार्क्स के अनुसार था और ये मार्क्स जो है 150 मार्क्स में से आए थे, 150 में से, और अभी जो एग्जाम हुआ है वो हुआ है 100 मार्क्स में से, यानी 100 नंबर का यहाँ पर जो है पेपर हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि 100 नंबर में से आपको कितने लाने, कितने लाएंगे जब आपका सिलेक्शन होगा, और 150 में से कितने लाएंगे जब आपका सिलेक्शन होगा। आपने सुना भी होगा और आपने देखा भी होगा, आपने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन होते देखा भी होगा कि जिस बच्चे के 70 मार्क्स है, चाहे वो एससी कैटेगरी से चाहे एसटी कैटेगरी से हो, इन कैटेगरी में 70 मार्क्स अगर आप लाते थे तो आपका सिलेक्शन इजीली हो जाता था, है ना, ठीक है। किसी के 65 तक भी यहाँ पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पर जनरल की बात करें तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पर लगभग आपको 75-78 मार्क्स आते थे तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाता था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में लगभग 73-74 मार्क्स आएंगे तब जाके सिलेक्शन हो पाता था। यानी लगभग अगर एवरेज देखा जाए तो बच्चे के 50% मार्क्स आना अनिवार्य था, ठीक है। तो 2021 और 2022 के एनालिसिस के अनुसार यहां पर जो परसेंटेज थी, 150 मार्क्स में से जो मार्क्स आए थे वो लगभग 50% मार्क्स या 45 मार्क्स अगर आए हैं तो उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। अब यहां पर बात करते हैं, अभी रिसेंटली 2024 वाले की बात करते हैं। तो 2024 में यहां पर बात करते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है बच्चों। तो चलिएगा हम बात करते हैं 2024 में बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो यहां पर हमने जो एनालिसिस किया है वो एनालिसिस यहां पर देखिए, लगभग 200 स्टूडेंट में हमने एनालिसिस किया है। चलिएगा, तो किसी बच्चों को मेरे को यहां पर नंबर मिले हैं 150 मार्क्स, किसी के 62, किसी के 52, किसी के 49 और किसी के 48, ठीक है। दो चार बच्चों के मेरे को मार्क्स मिले हैं 60 प्लस है, जिसमें यहां पर 61 भी है, 62 भी है, 64 भी है, और यहां पर एक बच्चे के 69 भी है। कहने का मतलब यह है कि यानी 60 प्लस मार्क्स भी आए हैं। अब यहां पर कैटेगरी की बात करते हैं, कैटेगरी यहां पर देखो किसी बच्चे के 45 मार्क्स भी आए हैं, किसी के 42 भी आए हैं। अब हम बात करेंगे कि यहां पर अपने मध्य प्रदेश में जो पीएनएसटी की सीट्स है वो लगभग 1050 से प्लस है, यानी इससे ज्यादा है, है ना, ठीक है। तो इन सीट के लिए इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो इनमें से कितने बच्चे जो है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज अचीव कर पाएंगे, और जिनके कम मार्किंग है उनको भी कॉलेज मिलेगा लेकिन प्राइवेट मिलेगा बच्चों। अब देखिएगा यहां पर हमने एनालिसिस किया, उसमें जनरल कैटेगरी में लगभग यहां पर लगभग 53% मतलब 53 से ज्यादा मार्क्स अगर आए हैं तो उस बच्चा जनरल कैटेगरी में, यानी उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। आगे बात करते हैं ओबीसी के बारे में, ओबीसी में यानी वो बच्चा जिसके 50 मार्क्स है, यानी 51 और 50 मार्क्स अगर इतना आया है तो हो सकता है उस बच्चे का सिलेक्शन हो, ठीक है। आगे बात करें बच्चों एसटी और एससी कैटेगरी, ये दोनों कैटेगरी में लगभग जो है ये लगभग 48 मार्क्स है, यानी एससी कैटेगरी में आते हो तो आपको 48-49 मार्क्स, यानी आपको लगभग 50% मार्क्स ही लाने पड़े हैं, ठीक है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। 40 यानी एसटी की बात करें तो 47 यानी आपका इसमें सिलेक्शन, जिस किसी का 45 से लेकर 47 अगर मार्क्स है तो उस बच्चे के चांसेस 90% है, ठीक है। तो जो मैंने आपको ये मार्किंग बताई है, जनरल में 53 प्लस होगा तो उसका 90% चांसेज है, ओबीसी में 51
मार्क्स अगर है तो उसका 90% चांस है, और एसटी में यहां पर 45 से अबाव है, यानी 47-45 है तो उसका सिलेक्शन चांसेज है। एससी में 48-49 अगर है तो चांसेज है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के बारे में तो ईडब्ल्यूएस में लगभग 44-45 यानी एसटी के बराबर लगभग इतना मार्क्स आया है तो इजीली वो जो है यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज अचीव कर पाएगा। लेकिन यदि कोई बच्चा मान लो कि अगर इस परसेंटेज के अंदर नहीं आता है, इतने मार्क्स नहीं आते हैं, तो उनको मायूस नहीं होना है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज की जगह मिलेगा प्राइवेट कॉलेज। आपको काउंसलिंग 100% करवाना है। अगर किसी बच्चे के कम मार्क्स आए हैं, किसी के 35 मार्क्स भी आए हैं, मान लो किसी के 35 मार्क्स भी अगर आए हैं, तो वह बच्चे भी मायूस ना हो, क्योंकि उनको भी काउंसलिंग करना अनिवार्य है, क्योंकि उनको यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा, और प्राइवेट कॉलेज में आपको यहाँ पर जो फी होगी वो फी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, वही फी आपके लगेगी, एक्स्ट्रा फीस आपकी नहीं लगेगी। और जो बच्चे एसटी एससी कैटेगरी और ओबीसी में आते हैं तो उनको यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कहने का मतलब जितनी फीस है उतनी ही स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट से करें, आपके पास डिग्री तो आना ही आना है। तो काउंसलिंग जो है हर बच्चे को करना है बच्चों, ठीक है। तो यही जानकारी मैंने आपको देने के लिए ये वीडियो जो है आपके अपलोड कर रहा हूं। सभी बच्चे जो है वीडियो को शेयर करें और रेटिना नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बार बार जो है अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।